Assalamualaikum students, welcome to your channel Engineering and Technology. आज का हमारा AutoCAD का 7th lecture है, जिसमें हम three command को discuss करेंगे. ये जो software आपको नजर आ रहे हैं AutoCAD, 3D Max, Quantity Survey, Primavera, MS Project, Word, Excel, PowerPoint, Corora. अगर इनमें से आप में से कोई भी students online ये software सीखना चाहता है, तो वो मेरे साथ इस number पर कॉन्टैक्ट कर सकता है. ये जो नंबर गिवन है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ पर. ये सारे लेक्चर हो चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम करेंगे टेक्स्ट कमांड, डायमेंशन कमांड एंड पॉलीलाइन कमांड. ठीक है, तो आइए चलते हैं AutoCAD को ओपन करते. ये AutoCAD एक फाइल पहले से मेरे पास बनी हुई, तो ये एक ड्राइंग. यहाँ से मैं आपको ये टेक्स्ट कमांड और जो डायमेंशन कमांड है इसकी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा इंशाल्लाह. तो ये एक प्लान है मेरे पास. ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों को ये टेक्स्ट नजर आ रहा होगा कि ये टेक्स्ट यहाँ पर मतलब कैसे लिखी गई है. ये बेडरूम, ये 14 जो डायमेंशन है, ये एक्चुअल साइज है, ये कैसे लिखी गई है. ठीक है, तो इसके लिए पहले हम चलते हैं टेक्स्ट कमांड. यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ, ई एंटर. यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास बेडरूम लिखा नजर आए, तो उसके लिए कमांड है टेक्स्ट कमांड, उसके लिए टी एंटर. टी एंटर प्रेस करने के लिए कोई लोकेशन आप उसके लिए सेलेक्ट करें, जिस लोकेशन में आप इसको लिखना चाहते हैं. तो ये लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर दी और माउस ओके क्लिक कर राइट क्लिक. ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये देख रहे हो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. ये मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ. ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर आपने लिखना है टाइम न्यू रोमन. क्या लिखना है? टाइम न्यू रोमन. ठीक है, टाइम न्यू रोमन को सेलेक्ट कर ले. यहाँ पर जितनी हाइट में आपको अपनी लिखाई चाहिए, मतलब उसका मोटाई कितनी हो, तो उसके लिए मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 8 inches में मुझे रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो उसके लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसी भी आपको चाहिए. कलर कौन सी चाहिए? कलर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ब्लू कलर मुझे चाहिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, यहाँ पर आप अपनी जो लिखाई करते हैं वो लिख ले. फॉर एग्जांपल बेडरूम में यहाँ पर लिखता हूँ बेडरूम. बेडरूम लिखने के पास आपने एंटर प्रेस करके राइट क्लिक प्रेस करना है. ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर बेडरूम आगे. अगर आप इसकी साइज ज्यादा करने चाहते हो, तो जहां पर मैंने 8 दिया था वहां पर 10 आप दे दो, तो ये आपके पास ज्यादा मोटा नजर आ जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम कमांड हमारा ये डायमेंशन कमांड है. यहाँ से ये डायमेंशन मैं रिमूव कर लेता हूँ. ठीक है, अब ये 14x14 फॉर एग्जाम्पल कैसे आई हमारे पास, इसके लिए कमांड है डी एंटर. डी एंटर प्रेस करके यहाँ पर आप चले जाए करंट सेट में, नहीं न्यू सेट में. न्यू सेट में आप चले जाए, न्यू सेट में यहाँ पर एक कॉपी जो पहले से बनी हुई उसकी कॉपी कंटिन्यू पर प्रेस करें. कंटिन्यू प्रेस करने के बाद ये आपके पास आ जाएगी. लाइंस में मतलब लाइन आप कौन सी लेना चाहते हो, कलर उसकी कौन सी हो. मैं कहता हूँ मेरे पास ये कलर हो इसकी. ठीक है, ये जितनी आप मतलब लाइन की मोटाई लेना चाहते हो वो है. ये है स्पेसिंग, मतलब अगर आप स्पेसिंग देना चाहते हो तो वो भी देख दे सकते हो. ठीक है, यहाँ पर है सिंबल्स. सिंबल्स मतलब एरो की आप जो सिंबल देना चाहते हो वो भी यहाँ से आप मतलब जो भी सिंबल हो वहाँ से आप यहाँ से आप इसको दे सकते हो. मेन चीज़ में यहाँ पर इसमें है टेक्स्ट. टेक्स्ट की जो हाइट रखनी है वो ऐसी रखनी है कि मतलब आपके ड्राइंग पर वाजिया नजर आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 inches है. मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बड़ी मुझे नजर आ जाए, मैंने 7 inches कर ली. ये टेक्स्ट हाइट मेन ऑप्शन. अब ये टेक्स्ट का कलर है, जैसे आपने कलर देना है वैसे आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका. कलर फिलिंग है, अगर कलर फिलिंग आपने करनी है तो दे दो, कोई इशू नहीं है इसका भी. आप मैं नन रखना चाहता हूँ, नन आप रख ले. ठीक है, तो यहाँ पर और नेक्स्ट कमांड जो है यहाँ पर फिट है. जैसी भी आप मतलब एरो वगैरह देना चाहते हैं, जो डिज़ाइन है मतलब
यहाँ पर है प्राइमरी यूनिट्स। यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि यूनिट फॉर्मेट में आपका आर्किटेक्चर ही हो और यहाँ पर 1/8 ही हो, जैसे हम पहले करते थे यूनिट सेटिंग में। तो ये यहाँ के लिए मैंने, अगर वहाँ पर आपकी एडजस्टमेंट यूनिट सेटिंग गलत हो तो यहाँ पर आपको ये एक्चुअल डायमेंशन नहीं देगा। उसके बाद मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करंट सेट देन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास डायमेंशन है, यहाँ पर ये लीनियर मैंने ले लिए। यहाँ से एक कॉर्नर से सेलेक्ट करके फिर दूसरे कॉर्नर को सेलेक्ट करो, फिर माउस को थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ। तो ये आप देख रहे हो, ये आपके पास एक्चुअल 14 फिट आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली, दोबारा देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये भी आपके पास 14 आ गया। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो रूम है हमारे पास, ये 14x14 फिट का है, ठीक है। हमारा आज का लास्ट कमांड जो है वो है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन मैक्सिमम हम 3D शेप के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए कमांड है PL Enter। PL Enter प्रेस करके आपने जो भी इसकी शेप मतलब बनानी है, इसको आप डायरेक्ट, अब देख रहे हो मैं इसकी एक पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो ये कंप्लीट मेरे पास सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पूरी लाइन इसके लिए हम ड्रॉ कर सकते, अगर ये सिंगल लाइन होती तो ये हमारे पास एक ही उस वो सेलेक्ट होती। फॉर एग्जांपल मैं अब सिंगल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये देख रहे हो, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपके पास एक ही लाइन सेलेक्ट हो रही। अगर आप इसके एक पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो कंप्लीट शेप मतलब जो आपने पूरी लाइन से क्रिएट करेगी वो सेलेक्ट होगा। इंशाल्लाह आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।